नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोगों का सवाल है कि दीदी, हम पहली बार अगर व्रत नहीं उठा सकते तो हमें किस प्रकार से व्रत करनी चाहिए, कौन कौन से कार्य हमें जरूर करनी चाहिए व्रत के दिन। दूसरी चीज क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी, जैसे हम दान कर लेते हैं तो क्या ब्राह्मण को हमें कब देनी चाहिए, ब्राह्मण को मतलब तुरंत देना क्या जरूरी है। अगली चीज क्या है कि दीदी, मासिक धर्म में क्या हम दान कर सकते हैं। साथ में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि दीदी, हमें वोमिटिंग होने लगता है तो हम क्या करें। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 2023 में हरतालिका तीज का व्रत हम 18 सितंबर को रखेंगे और दिन है सोमवार। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ऐसे हर वीडियोज में मैं बताते आई हूँ हर चीज, पूजा विधि, नियम विधि, दान और भी सारी चीजें जो भी आप लोग पूछे हैं सब कुछ। पूजा विधि पिछले साल का है, नया वीडियो नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत सारे वीडियोज नए भी मिल जाएंगे और पुराने पिछले साल के भी लास्ट ईयर के मिल जाएंगे, आपको उससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए अब इसमें जान लेते हैं कि दीदी, अगर हम इस साल व्रत नहीं उठा सकते, सबसे पहले तो आप लोग पूछे हैं कि क्यों नहीं उठा सकते। तो आप देखिए, ऐसे तो मैं बताते आ रही हूँ लेकिन आप लोग वीडियो शायद देखते नहीं है या पहुंचता नहीं है, फिर भी मुझे दोबारा बताना पड़ता है कि इस साल मलमास लगा हुआ था, तो जिस साल मलमास लगता है उस साल नया व्रत नहीं उठानी चाहिए, कोशिश कीजिए कि ना उठाएं। वहीं पे कई लोग कह रहे हैं कि नहीं उठा लेते हैं। मलमास देखिए, हर घर के नियम अलग है कि मलमास जैसे खत्म हो गया, समाप्त होने के बाद हमें उठा लेनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिस साल लगता है, हर तीसरे साल लगता है, तो जिस साल लगता है उस साल हमें नया व्रत नहीं उठानी चाहिए, और उसमें भी सुहाग वाले, बाकी आपकी मर्जी है, मैं किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कहूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं कुछ भी बोलूं, अपने घर का नियम आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, अपने घर के बड़ों से पूछ लीजिएगा, हर घर के नियम थोड़ा सा अलग होते हैं बाकी लोगों से। तो ये हो गया, तो जो नहीं करेंगे इसलिए हमें नया व्रत नहीं उठानी है इस साल। तो आप लोग पूछे कि दीदी, अगर नहीं उठा सकते तो हम कैसे क्या करेंगे, तो आपको आगे नियम विधि बता दे रही हूँ। देखिए, आप उस दिन खूब अच्छे से तैयार हो जाइएगा, सिंदूरा से सिंहोरा से सिंदूर वगैरह लगा लीजिएगा, लाल पीली साड़ी पहन लीजिएगा और शिव जी और माता पार्वती को पूज लीजिएगा, या तो मंदिर में पूज लीजिए या आप अपने घर में पूजा पाठ एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। आप लोग पूछे हैं कि दीदी, पार्थिव शिवलिंग जब हम बनाते हैं तो हमारे घर के आसपास नदी सरोवर नहीं है तो कहाँ विसर्जन करें, तो आप पार्थिव शिवलिंग को एक तो उसी रात में आप लोग विसर्जन मत कीजिएगा, जब आप लोग दिन में पूजा कीजिएगा तो दो चार घंटे बाद विसर्जन कर दीजिएगा, सुबह में अगर करते हैं तो। अगर शाम में करते हैं प्रदोष काल में तो उसी रात को आप लोग विसर्जन मत कीजिएगा, क्योंकि सेम टाइम नहीं करनी चाहिए, अगले सुबह आप लोग विसर्जन करके उसके बाद ही आप लोग पारण वगैरह कीजिएगा। तो अगर नदी सरोवर नहीं है कहीं भी तो आप पीपल वृक्ष के नीचे आप जो है विसर्जन कर सकते हैं, या और भी देख लीजिए कोई देवी देवता वाला कोई वृक्ष है वहां भी आप लोग रख सकते हैं, जैसे केले के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं, शमी के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं, क्या करेंगे, जब कहीं कोई नहीं है तो जो भी देव वनस्पति वृक्ष है वहां आप लोग रख सकते हैं, बेल के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। तो मिट्टी से बनाकर पूजा करें तो और भी इससे उत्तम तो कुछ होगा ही नहीं, अगर पार्थिव शिवलिंग बनाकर हम पूजते हैं तो आप जो है इस प्रकार से ये पूजा कर लीजिएगा, बेलपत्र भांग धतूरा जो शिव जी को चढ़ता है हर चीज चढ़ाकर पूजा कर लीजिएगा, व्रत भले ही नहीं रखिएगा लेकिन सुबह उठकर पूजा पाठ करके ये लहसुन प्याज का सेवन उस दिन अगर ना करें, जो व्रत नहीं भी रखी है महिलाएं, तो बहुत अच्छा होगा। अगले साल से आप लोग भगवान चाहेंगे हर चीज हर साल देखिए करना है, भगवान बस जीवन सबका बनाए रखे, भगवान करे हर आदमी हर साल ये व्रत हर महिलाएं करे। तो इस साल अगर नहीं भी कर पा रही है तो एकदम श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करके पति देव को अपने प्रणाम कर लीजिएगा, और आप जो है मंदिर में भी एक बार घूमकर आ जाइए, प्रेग्नेंट है तो मत जाइएगा क्योंकि मंदिर में शिव लिंग को हम नहीं छूते हैं, घर में जो पूजा पाठ करके प्रसाद चढ़ाती हैं वो आप लोग खा सकते हैं, और मंदिर का प्रसाद लेकर मत आइएगा। इस वीडियो में सभी के लिए देखिए बता दी, तो आप लोग मंदिर भी जाकर घूमकर मतलब आ जाइए एक बार, क्योंकि व्रत है या नहीं है शिव जी की पूजा करके, माता पार्वती को पूजकर सिंदूर लगाकर, आप चाहे तो अपने लिए श्रृंगार की चीजें कुछ चढ़ा कर भी रख सकती हैं, एक पैकेट सिंदूर ही चढ़ा लीजिए, अपने सिंदूरा में डाल लीजिए, ये हो गया।
उसके बाद से अपने पति को प्रणाम करके और जो भी भोजन वगैरह आप खाना आप खा सकते हैं, शुद्ध सात्विक खाए तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया उस दिन व्रत रहेगी और पूरे मतलब जो बहुत ही कठिन व्रत है, इतना आसान नहीं है, तो आप चाहे तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो आप लोग पूछे हैं दीदी जो भी लोग व्रत नहीं रखेंगे वो कैसे तीज के दिन क्या करें, तो बता दी ये सभी कार्य अब करना है। और जो लोग व्रत रखेंगे थोड़ा सा चादर अपना बेडशीट वगैरह मतलब धो लेंगे, आप नहाए खाए के दिन ही चादर वगैरह चेंज कर दीजिए, क्योंकि व्रत में ना शुद्ध चादर वगैरह पे हमें सोनी चाहिए, जूठे वगैरह चादर पर नहीं सोनी चाहिए, जो चादर मतलब गंदा हुआ रहता है जो प्रतिदिन हम यूज करते हैं उस चादर को बदल लीजिएगा, ये कार्य कर लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि दान दीदी पीरियड में कर सकते हैं। तो देखिए मासिक धर्म के लिए पिछले साल का वीडियो है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ मासिक धर्म के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। लेकिन दान के लिए मासिक धर्म में भी आप सुहाग की चीजों का, अनाज का और का दान कर सकते हैं, कथा दूर से बैठकर सुन सकते हैं। और आप लोग जो है भले ही पूजा नहीं कीजिएगा लेकिन मानसिक पूजा कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना वगैरह कर सकते हैं। क्लियर हो गई सारी बातें, लेकिन दान हमें जरूर करनी है। और दान करके कभी भी जल्दीबाजी ना दिखाएं, आराम से आप लोग जो है जिसको देना है दान आप दे दीजिएगा, अगर ब्राह्मण मिलते हैं तो दे दीजिए, उनको नहीं मिलते हैं तो मंदिर में भी रख कर आ सकते हैं, अगर वहां भी कोई नहीं है तो ठीक है आप किसी भी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं दान की चीजें। सुहाग की चीजें रखे रहिए, अपने घर के बेटी बहन को भी आप लोग दे सकते हैं, और जो भी खराब होने वाली चीजें हैं वो आप किसी भी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। क्लियर हो गई, लेकिन दान अपने हाथों से जरूर कीजिएगा, पिछला वीडियो आप लोग चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो ये सभी कार्य करने हैं। अब आप लोग बार बार मत पूछिएगा कि दीदी इस साल क्यों नहीं उठाएंगे क्या करेंगे, ये सभी चीजें मत पूछिएगा। और कुंवारी लड़कियों के लिए ऐसे तो पिछले वीडियो में बताई हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आप लोग केवल व्रत रखिएगा, शिव जी को पूजिएगा, कुछ सुहाग की चीजें अपने लिए चढ़ाकर चाहे तो रख सकते हैं आशीर्वाद के रूप में, और आप जो है दान में कुछ पैसा वगैरह का दान कर सकती हैं और पारण कर सकती हैं। क्लियर हो गया, तो यही सब कार्य आपको करने हैं। और जो व्रत नहीं भी रखी हैं वो अगर आप लोग चाहें तो कथा भी सुन सकते हैं, कहीं सामूहिक पूजा हो रहा है वहां जाकर बैठ सकती हैं, अपना जो आपका मतलब गहना ज्वेलरी है, नई नई शादी हुई है तो आप लोग पहन सकते हैं, क्योंकि तीज का दिन है, भले ही आप व्रत नहीं रखी है लेकिन पूरी दुनिया उस दिन उपवास रहेगी तो आपको भी थोड़ा बहुत उसमें शामिल होनी चाहिए, तो आप लोग पहन लीजिएगा। और मंदिर वगैरह बहुत सारे गहना गुड़िया पहन के ना जाए, मैं मतलब जब से YouTube पे आई तब से मैं लोगों को समझाती हूँ, 2-3 साल से समझा रही हूँ कि बहुत सारा ज्वेलरी वगैरह पहनकर आप ना जाएं, क्योंकि युग जमाना बहुत खराब है, तो बच बचा कर रहनी चाहिए, जो भी हो अच्छे से हो जाए। आर्टिफिशियल भी आप लोग पहन सकते हैं, दीदी हमारे पास सोने का नहीं है तो हम दूर हैं तो घर में है, ठीक है आप आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंदूरा सिंदूरा है तो उससे सिंदूर लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, नया सिंदूर का पैकेट आप लोग ले सकते हैं और चढ़ाकर अपने सिंदूरा में रख सकते हैं सिंदूरा में, और आप जो है चूड़ी लहठी अपने लिए जो चढ़ाना चाहती है चढ़ाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। और बाकी भी जो वीडियोज है उसको आप लोग चेकआउट कीजिएगा। आप लोगों का सवाल है कि दीदी व्रत में बहुत सारा वोमिटिंग हमें क्यों होने लगता है, कई ऐसी मेरी बहने लिखी है, तो देखिए मैं ऐसे बता चुकी हूँ कि व्रत के एक दिन पहले से ही कम भोजन करनी है, ऑयली स्पाइसी से बच के रहिए, और सरगी अगर खाते हैं तो बहुत सारी चीजें ना खाएं, केवल लिक्विड लिक्विड चीजें खाएं मतलब पिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत सारा दही चिवड़ा वगैरह लोग खा लेते हैं, उससे भी मतलब गला जलने लगता है, वोमिटिंग होने लगता है, और बहुत सारे लोगों को गैस की प्रॉब्लम रहती है उससे भी वोमिटिंग होने लगता है, जब पेट खाली पड़ता है तो खाली पेट होने लगता है। तो इसलिए आप लोग कभी चीज खाइएगा और बाकी भगवान पे छोड़ दीजिएगा, भगवान चाहेंगे तो अच्छे अच्छे से हमारा व्रत जो है मतलब पूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, ज्यादा चिंता मत कीजिएगा, जितना ज्यादा चिंता कीजिएगा उतना ही भारी होते जाएगा, फ्री माइंड से रहिए, जहां तक सहा जाएगा सहिएगा, नहीं सहा जाता है तो पशु बनकर पानी पी लीजिएगा, क्या किया जाएगा। क्लियर हो गई सारी बातें, तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।